हेलो एवरीवन, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के टॉपिक में आज हम देखेंगे यूनियन ऑपरेटर, रूल्स ऑफ यूजिंग यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्ट ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर एंड सम मोर डीडीएल कमांड्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनियन ऑपरेटर से। यूनियन ऑपरेटर अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स रिटन बाय टू और मोर क्यूरीज बाय मर्जिंग द रिजल्ट ऑफ ईच क्यूरी इन सिंगल सेट। तो जैसे अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है मैथ्स में, तो वहाँ पे हम यूनियन परफॉर्म करते हैं दो डिफरेंट सेट्स के ऊपर। सिमिलरली हम दो डिफरेंट रिजल्ट्स के ऊपर, दो डिफरेंट क्यूरीज के ऊपर यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी भी एक सेट के अंदर वैल्यू है तो वो रिजल्ट के अंदर रिटेन होती है। सिमिलरली एसक्यूएल के अंदर भी यूनियन सेम तरीके से काम करता है। अगर कोई रो दो क्यूरीज में से किसी भी एक क्यूरी के अंदर प्रेजेंट है तो वो रिटेन होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं दो डिफरेंट रिलेशंस। एक रिलेशन है R1 और एक रिलेशन है R2। और R1 के अंदर जो रोज हैं वो हैं रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, और R2 के अंदर भी सेम है रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। सो इमेजिन कीजिए दो डिफरेंट टेबल्स हैं, दो डिफरेंट स्कूल्स के डाटाबेस की। सो रोल नंबर है वन, स्टूडेंट का नाम है ए। रोल नंबर है टू, स्टूडेंट का नाम है बी। यहाँ पे रोल नंबर है थ्री, स्टूडेंट का नेम है सी। और रोल नंबर है फोर, स्टूडेंट का नेम है डी। एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है वन और उसका नाम है ए। तो ये दो टेबल्स हैं हमारे पास। अब हमें इन दोनों टेबल्स के ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखते कैसे हैं यूनियन को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर वन, डेट इज राइटिंग द फर्स्ट क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर वन, ये हो गई पहली क्वेरी। उसके बाद आपको जो कीवर्ड यूज करना है वो है यूनियन। सो राइट यूनियन, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर टू। सो दिस इज द क्यूरी ऑफ यूजिंग यूनियन ऑपरेटर। सो अब देखो, अब इसमें आउटपुट क्या आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। दो कॉलम्स आएंगे हमारे पास, रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। तो दो कॉलम आए, रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम। अब देखो वन ए किसी भी एक में प्रेजेंट हो, यहां से क्या रिटर्न होगा, इस पार्ट से क्या रिटर्न होगा, इस पार्ट से रिटर्न होंगी ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। और इस पार्ट से क्या रिटर्न होगा, इस पार्ट से रिटर्न होंगी ये तीनों वैल्यूज। तो मतलब पहले सेट में क्या क्या वैल्यूज हैं, ये दो, और दूसरे सेट में क्या क्या वैल्यूज हैं, ये तीनों। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू इज प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट इन आइदर वन ऑफ द सेट और वन ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा वन ए टू बी, फिर यहाँ से थ्री सी फोर डी। अब देखो ये वाली वैल्यू रिजल्ट में से ऑमिट आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी यूनियन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, दे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिकली। दैट इज इंपॉर्टेंट दैट दे रिमूव डुप्लीकेट रोज ऑटोमेटिकली। तो जितने भी डुप्लीकेट रोज या टपल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ यूनियन इज परफॉर्म्ड। बट देर आर सम रूल्स और सम कंडीशंस ऑफ यूजिंग यूनियन ऑपरेटर। फर्स्ट इज बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी यूनियन कंपेटिबल। अब यूनियन कंपेटिबल का मतलब क्या होता है, यूनियन कंपेटिबल का मतलब है दैट बोथ द सिलेक्ट स्टेटमेंट, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दे शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो पहली कंडीशन है दे शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तीन कॉलम है और यहाँ पे दो कॉलम है, ये यहाँ पे दो कॉलम है, यहाँ पे तीन कॉलम है। अगर यहाँ पे से दो कॉलम आ रहे हैं तो इसमें से भी दो ही कॉलम रिजल्ट में होने चाहिए। देन
सेकेंड पॉइंट इज द डोमेन ऑफ आईथ कॉलम इन अ रिलेशन शुड बी सेम एज डोमेन ऑफ आईथ कॉलम इन अनदर रिलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे R1 के दो कॉलम्स हैं, रोल नंबर और एस नेम, आईएथ का मतलब होता है इंडेक्स, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ऐसे ही R2 के पास भी दो कॉलम है, रोल नंबर और एस नेम, और ये पहला कॉलम है इसका, ये सेकंड कॉलम है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि डोमेन ऑफ आईथ कॉलम, मतलब डोमेन ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ रिलेशन आर वन शुड बी सेम एज द डोमेन ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ रिलेशन आर टू, जो कि इस केस में दोनों के केस में क्या है, इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही डोमेन ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ आर वन शुड बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ आर टू, जो इस केस में क्या है, करेक्ट। सो ये दो कंडीशंस अगर आपकी ट्रू हैं देन यू कैन परफॉर्म यूनियन ऑपरेशंस। सो बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स मस्ट बी यूनियन कंपेटिबल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि यूनियन कंपेटिबिलिटी क्या होती है। सो इफ देर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज यूनियन कंपेटिबिलिटी, सो आप इसमें ये दोनों पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो और एक एग्जांपल की मदद से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ऑर्डर बाय क्लॉज कैन अकर ओनली एट द एंड ऑफ यूनियन, कि अगर आपको ऑर्डर बाय लगाना है then that can be used only at the end of the union, it can't be used within the individual queries that makes the union statement, that means agar aap aisa likhne ki koshish karte ho select star from r1 order by something, suppose order by roll number, union select star from R2 order by roll number। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे individual queries के अंदर order by लगा दिया, so this will gives you error, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप order by at the end लगा सकते हो, जैसे ये खत्म हुआ ना इसके बाद आप यहां पे ऑर्डर बाय लिख सकते हो, बट नॉट लाइक दिस, दिस विल बी ए एरर, क्लियर। थर्ड रूल इज ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज आर अलाउड ओनली विद इन इंडिविजुअल क्वेरीज। नाउ दिस इज अगेंस्ट और दिस इज अपोजिट टू ऑर्डर बाय। अब ग्रुप बाय और हैविंग आप सिर्फ इंडिविजुअल क्वेरीज में लगा सकते हैं, तो जैसे अगर इसी क्वेरी में हम लिखते हैं तो यहां पे आप ग्रुप बाय लिख सकते हो इंडिविजुअली, so select star from R1 group by something then union select star from R2 and similarly group by, so now this is perfect। so these are some of the rules of using union operator। Now let's see about intersect operator। So the intersect operator is used to select common values in a column from tables। अब ये क्या करता है, ये common values को find out करता है tables में से। Syntax क्या है इसका, select column name from table 1, intersect select column name from table 2। तो जैसे अगर एक relation लेते हैं R1, इसके अंदर एम्प्लॉई नेम्स हैं और वैल्यूज हैं उनकी ए बी सी एंड डी। एक रिलेशन है आर टू, इसमें भी एम्प्लॉईज के नेम हैं और वैल्यूज हैं इनकी ए बी ई एंड एफ। और अब हम इन दोनों में इंटरसेक्ट ऑपरेटर या इंटरसेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे,
सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम आर वन, देन यूज द इंटरसेक्ट कीवर्ड, इंटरसेक्ट सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम आर टू. सो दिस विल बी द क्वेरी, बट द आउटपुट विल बी लाइक, आउटपुट विल कंटेन द कॉमन वैल्यूज फ्रॉम बोथ द क्वेरीज. सो द आउटपुट विल बी emp name, एक कॉलम बनेगा आपके पास और उसमें आउटपुट क्या आएगा. अब देखो आउटपुट निकालने के लिए सिंपल आप कैसे कर सकते हो, इतनी वाली क्यूरी का आउटपुट क्या आएगा, इतनी वाली क्यूरी का आउटपुट आएगा, अगर सेट की फॉर्म में लिखता हूँ ए बी सी एंड डी, ये चारों नाम आएंगे. और इस वाले पार्ट का आउटपुट क्या आएगा सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ए बी ई एंड एफ. अब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ए और बी, सो द आउटपुट विल बी ए बी. सो दैट इज हाउ इंटरसेक्ट ऑपरेटर वर्क्स. नाउ लेट्स सी अबाउट द माइनस ऑपरेटर. माइनस ऑपरेटर इज यूज टू सिलेक्ट वैल्यूज विच इज प्रेजेंट इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर, कि एक टेबल में तो प्रेजेंट है बट दूसरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है. सो द सिंटेक्स इज सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन माइनस सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल टू. जैसे इसी में करते हैं, यही दो टेबल्स के अंदर लिखते हैं. सो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम आर वन माइनस सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम आर टू. तो अब क्या होगा, अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो आर वन में तो प्रेजेंट है बट आर टू में प्रेजेंट नहीं है. तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा, आर वन में कौन कौन सी है, ए है, यहाँ पे भी ए है, बी है, बी है, सी और डी आर वन में जो आर टू में नहीं है, तो आउटपुट आएगा सी डी. सो दैट इज हाउ दिस माइनस ऑपरेटर वर्क्स. सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्ट ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंक्लूड विद द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टॉपिक बाय कवरिंग सम मोर डिटेल कमांड्स concept. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.